इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए हलफनामा दाखिल किया है, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि हमने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर अमल किया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी दस्तियाब करा दी है। SBI के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के दरमियान 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया। जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए PM रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए। SBI की जानिब से इस बारे में सारी तफसील पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल के तौर पर पेन ड्राइव के जरिए इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उमरा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से खरीद स्टार लग्जरी होटल्स में क्याम। 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत, वो तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। उमरा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।